अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट को बचाने के लिए खुद झांसी का रूप लेकर उतरी डिंपल यादव। डिंपल यादव ने रोड शो के जरिए विरोधियों को दिखाया मैनपुरी में सिपाहियों की ताकत। समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर सपा और भाजपा में खूब गहमागहमी देखने को मिला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैनपुरी की सीट को हासिल करने के लिए सपा के ही पुराने नेता रघुराज को मैदान में उतार कर मैनपुरी के लोकसभा सीट को हासिल करके समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में पटकना देने की सारी कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने नेताजी की सीट को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव की बहुआ अपनी पत्नी डिंपल यादव को अखिलेश यादव के द्वारा मैदान में उतार दिया गया है, तो झांसी का रूप लेकर लाखों सिपाहियों के भीड़ में रोड शो करके सिपाहियों की ताकत को दिखाते नजर आ रही है। अब मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की निगाहें मैनपुरी के लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मैनपुरी के लोकसभा सीट पर जीत का ताज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के सिर पर होगी या बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज के हाथ में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी। पूरा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का साथ और समर्थन मिल रहा है और मैनपुरी की जनता जानती है कि जब से नेताजी यहाँ से सांसद चुने गए हैं तब से इस क्षेत्र ने विकास देखा है और लगातार विकास चाहते हैं यहाँ के लोग की देखे। और मैं समझती हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी मैनपुरी के इस क्षेत्र की जनता का जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। कोई मुकाबला देख रही है मैम, भारतीय जनता पार्टी के 40-40 मंत्री यहाँ पे है, कोई मुकाबला आप देख रही है? प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जो जनता की समस्याएं हैं जो ग्राउंड में जो हम लोग देख रहे हैं हम समझ रहे हैं, जहाँ DAP की किल्लत है, जहाँ इतना युवा हमारा है गांव-गांव में जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि रोज़गार लग सके, जहाँ महिलाएं हमारी रसोई में जूझ रही हैं महंगाई से, जहाँ किसान पेट्रोल डीजल साथ में बिजली की भी मार झेल रहा है, तो मैं समझती हूँ जनता इन मुद्दों का सरकार को सामना करना चाहिए और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जनता परेशान है। चाचा ने आपको समर्थन किया तो उनके खिलाफ जांच की शुरुआत होने जा रही है, उनसे भी वापस ली गई है। जहाँ जहाँ सरकार के लोग देखते हैं कि कोई मजबूत विकल्प तैयार होता है किसी भी प्रदेश में, वहाँ वहाँ ये यही हथकंडे नपटाते हैं। मैं समझती हूँ और मैं आप लोगों के चैनलों से निवेदन करती हूँ, मैनपुरी की जनता से, सभी लोगों से, सभी सम्मानित जनों से कि एक एक वोट नेताजी के सम्मान में साइकिल को दें, क्योंकि मैनपुरी क्षेत्र के लोगों ने देखा है कि विकास कैसे किया जाता है और जिस क्षेत्र का नेता अच्छा होता है वहाँ विकास की गंगा बहती है और मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों ने देखा है कि मैनपुरी का कायाकल्प नेताजी ने कैसे किया है। तो मैडम अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, कह के गए थे कि डिंपल जी को चुनाव में हरवाने के लिए भेज दिया जाता है, वो उनका वे ऑफ उनकी सोच वैसी है इसलिए उन्होंने इस तरह के बात कही होगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है।